लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हुकम सिंह जी कौन है? आपका तार आया है।
भाग्यवान है, ओ भाग्यवान, हमारा बेटा शहीद हो गया। हनुमान सिंह, हनुमान सिंह, आपका तार आया है। माँ, बाबूजी, सुमेर भैया की खबर आई है, सुमेर भैया शहीद हो गए। सुमेर भैया शहीद। विशाल परमार, विशाल परमार, आपका तार है। बाबूजी, बाबूजी, चाचा जी शहीद हो गए। हनुमान चंद, हनुमान चंद, आपका तार। पिताजी, पिताजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे। Jai Hind. Lieutenant Colonel Rai Singh reporting, sir. At ease. Thank you, sir. Welcome to Sikkim, Colonel Rai. Thank you, sir. Aap Nathu La post pahunchkar Attar Rajput ko relieve karein. Sir. Colonel Rai, you know Nathu La pass is sensitive. Sir. In 1965, Pakistan war, China threatened to open another front. If we did not withdraw from Zilapla and Nathu La, High Command ordered us and advised us to withdraw from both the posts. We lost Zilapla, unfortunately. But Nathu La, I refuse to vacate because it's the key to Sikkim. Have I made myself clear? Absolutely clear, sir. I have studied the features and it clearly shows that we do have an advantage in this area. Yeah, good, we are on the same page. All the best. Sir. Good luck. Thank you, sir. And Colonel Rai. Sir. I know everything about you. You're like Field Marshal Montgomery. Great strategist. Hero of the Second World War, the Montgomery. Well, sir, after the stand you've taken, I think I have another hero. I'm no hero. Jai Hind, sir. Jai Hind. चलो खींचो, चलो 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 चलो, धक्का दो जवानों, जोर लगाओ, चलो खींचो खींचो, धक्का दो, चलो खींचो, जोर लगाओ, चलो चलो चलो, चापास जवानों, खींचो खींचो। साहब, लगता है टू ग्रेनेडियर्स आ गए हैं Nathu La पोस्ट टेक ओवर करने के लिए। होल्ड होल्ड, शाबाश जवानों, सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा शक्तिशाली। अरे वाह अत्तर सिंह, आप तो चिड़ियों को अकेले ही रोक दोगे। डागर साहब, मेरी सर्विस को तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, आपने तो 1965 की लड़ाई लड़ी है। वो तो है, आप जैसे एक्सपीरियंस और ब्रेव ऑफिसर के गाइडेंस में हम सिर्फ चीनियों को रोकेंगे ही नहीं बल्कि तिब्बत के पार धकेल देंगे। ये हुई ना बात, मारे एक्सपीरियंस को आप जैसे नहीं खून की ताकत मिली है सर। अब तो हम चीनियों को बीजिंग में अकेले ही समेट देंगे। जयंत कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह, टू ग्रेनेडियर्स।
Colonel Jal Singh, 18 Rajput. Pleasure to meet you, sir. Same here. It's very impressive, Colonel. पहली बार किसी CEO को अपनी पल्टन के साथ गन पे धक्का लगाते हुए देखा है. Good. Thank you, Colonel. दरअसल मैं अपनी पल्टन को एहसास दिलाना चाहता था कि मैं भी उनमें से एक हूँ. Great. आइए, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ. Sure. कर्नल, आप थक गए होंगे. चलिए यहीं बैठ के बातें करते हैं. आइए. Sure, sir. So, Colonel, tell me about your stint of Canberra, England. Discipline, sir, discipline. They impressed me with their motto. Do or die, don't ask why. Yeah. शायद इसी मोटो की वजह से ब्रिटिश एम्पायर का सूर्य अस्त कभी नहीं हुआ. एंड ऑफ कोर्स आई हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग द जनरल स्पार्टन हिमसेल्फ. ओह, फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी. सच अ ग्रेट थिंग. फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी, ही इज द रियल हीरो ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. यस सर, वो मेरे हीरो हैं. उन्होंने दोनों वर्ल्ड वॉर लड़ी थी. आप जानते हो सर, वर्ल्ड वॉर वन में एक स्नाइपर ने उनके राइट लंग पर गोली मारी थी. बच गए वो. ही सर्वाइव्ड. थैंक गॉड. टू सी अनदर डे, व्हिच वाज द सेकंड वर्ल्ड वॉर, व्हिच ही वन. ऑफ कोर्स, दैट इज डेस्टिनी. ये अफसर विलायत से पढ़कर आया है, लगता है सख्त होगा. सख्त कैसे होगा भाई, ये तो अपने पल्टन के साथ बंदूक खींच रहा था. कोई सीओ ऐसा करता है क्या? लगता है ये हमें से एक है. सही कहा भाई. अरे दादा, लो मेजर भीषण सिंह भी आ गए. और दादा ने तो पूरी पलटन का हथियार अकेले उठा लिया है. दादा, दादा, और डागर बंदूकें चढ़ा दी. दादा, रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और पथरीला से, लेकिन हमने भी ठान लिए कि सारी बंदूकों को ऊपर चढ़ाकर मारेंगे. अरे जाट, तू नहीं सुधरेगा. ए दो दादा, बोझ बांट लेते हैं. अरे रहने दे जाटा, देख नहीं रहा मेरे दोनों हाथ आरएल से बंधे हैं. और हथियार फौजी के शरीर का हिस्सा होते हैं, और शरीर के हिस्से शरीर के लिए कभी बोझ नहीं होते. इस एरिया में थोड़ी सावधानी से रहना. 1965 में अपनी असम राइफल्स के दो जवानों को पेट्रोलिंग करते वक्त धोखे से मार दिया था हरामखोरों ने. शायद उन दो जवानों का बदला लेने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है. उन्होंने तो धोखे से मारा था. हम उन धोखेबाजों को आवाज देकर मारेंगे. बिगुल तो बजने दो. बिगुल तो बजेगा ही, और तुझे मौका भी मिलेगा. तुझे पता है डागर, कोई भी फौजी जंग नहीं चाहता, क्योंकि उससे होने वाले नुकसान को उससे बेहतर कोई नहीं जानता. और एक बात बताऊं, एक फौजी इसलिए जंग नहीं करता क्योंकि सामने वाले से नफरत करता है. वो जंग इसलिए करता है क्योंकि जिनको पीछे छोड़ा है ना, उनसे वो प्यार बहुत करता है. दादा, बात तो अपने पति के की है. जमीन नहीं है तो फिर आप लोग अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? आपके बड़े बड़े ऑफिसर सरकारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं. आप लोगों को क्या मिला?
पैसे मिलेगा, तंबाकू बढ़ाना, आपके घर परिवार को क्या कहते हैं? जैन साहब। जैन। आखिर इन चीनियों ने आपकी नींद खराब कर ही दी। वाकई में इनके प्रोपेगेंडा ने नींद खराब कर दी। साहब 3 सालों से यही ड्रामा चल रहा है इनका, अब तो इन्होंने स्पीकर भी बढ़ा दिए। कितने स्पीकर्स हैं इनके पास? साहब 30। और हमारे? एक भी नहीं। कमांड से मैं हमारे लिए भी स्पीकर्स मंगवा लूंगा। जी साहब। कर्नल, ये जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है ना, वो नॉर्थ शोल्डर है, और लेफ्ट साइड वाला साउथ शोल्डर, और बीच में पास है, और इसके ठीक सामने सेंटर बम्प है। ये शोर क्या हो रहा है वहां पर? चल के देखते हैं। What the hell is that? Oh my God, that must be Harbhajan Singh. क्या हो रहा है ये? आपका ऑफिसर ने चेमन माओ की पवित्र धरती पर कलम रखकर अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है। ये नहीं सुधरेगा। मैं अपने ऑफिसर की गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। शेषे, धन्यवाद। मेजर हरभजन सिंह। सर। क्या था ये? आपको एहसास है आपकी इस हरकत की वजह से एक युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती थी? इससे कम मैंने कुछ सोचा भी नहीं था सर। बट वाई? सर आपको 1962 याद है? इन चीनी फौजियों ने हमारे बहादुर राजपूत भाइयों को किस धोखे से और किस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। हम लोग यहाँ पर कितने समय से और अब जाने भी वाले, पर हमने यहाँ पर क्या किया सर? नथिंग सर, नथिंग। अगर यहाँ से बिना बदला लिए मैं चला गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और वाहेगुरु दी सो, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी सो। मेजर बिहेव योरसेल्फ। कौन कौन प्लीज सर। मेजर की भावनाओं को देखकर हम सबका खून खोल उठा। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, जो राजपूत की कंपनी आप हमारी मदद के लिए पीछे छोड़ेंगे वो कंपनी मेजर हरभजन के अंडर हो। दैट्स इफ इट्स ओके विद यू ऑफ कोर्स। श्योर कर्नल, इफ दैट्स हाउ यू थिंक आई एम ओके विद इट। थैंक यू सर। मेजर हरभजन सिंह। सो आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, यहीं रुकेंगे और इनकी मदद करेंगे। ओ हुणता खुशा तू खोते आ आ जा मेरे शेर। Sorry for the unofficial-like behavior, sir, but not for the Chinese harkat, sir. तू नहीं बदलने वाला। Good luck, पुत्र, good luck. ओ यारा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। जोश में होश नहीं खोते। Of course. Come, officer. Let me show you other features. Come. सर ये ब्लास्ट? ये लोग आए दिन नए बंकर बनाते रहते हैं और बंकर बनाने के लिए ही पत्थर एक्सप्लोड कर रहे हैं। इनकी नींद ठीक नहीं है, इसलिए रोज अपने मोर्चे को और पक्का बना रहे। मेजर सर, अपनी पलटन को हाई अलर्ट पर रखो। जी सर। नथुला के फीचर स्टडी करने के बाद मैंने कुछ फैसले लिए। साउथ शोल्डर की जिम्मेदारी प्लटून ए की होगी। सेकंड लेफ्टिनेंट अत्तर सिंह, यह कमांड आपकी होगी। सर। कैप्टन डागर। सर।
तो टून बी को लेकर आप सेंटर बम्प पर रहेंगे सर। और नॉर्थ शोल्डर राजपूतों की अंडर होगी, जो कि मेजर हरभजन सिंह आप कमांड करेंगे सर। और सारे प्लेटून कमांडर्स डायरेक्टली मेजर बिशन सिंह को रिपोर्ट करेंगे, जो आज से टाइगर नथुला है, विच मीन्स द नथुला पोस्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर। थैंक यू सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सर। आई होप आई डोंट फेल द पल्टन। बिशन, नो गट्स नो ग्लोरी, नो लेजेंड्स नो स्टोरी, एंड वी आर हियर टू मेक स्टोरीज मेजर। शेयर में गट्स है सर, शौहरत तो हमें जरूर मिलेगी। एक बात का वादा है सर, हमारी पलटन इतिहास रचेगी। सर्वदा शक्तिशाली। लेट्स टेक ओवर नथुला। सर सर, डिसमिस। हवलदार पराशर। सर। दादा 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 मुबारक हो यार। टाइगर तो आप हमेशा सही। बधाई हो मेजर। शुक्रिया सर, बधाई हो। थैंक यू। मुबारक हो सर, मुबारक हो। मेरा पहला ऑर्डर, कल का दिन खुशी का दिन, कल का दिन छुट्टी का दिन, 15 अगस्त आजादी का दिन। सारी बटालियन जश्न मनाएगी और उसके बाद सभी प्लेटून्स अपनी अपनी पोस्ट पर बंकर बनाएंगे। कोई शक? नो सर, बिल्कुल नहीं। दादा के गर्म लग रहे हो, मने तो शक ही शक है। मतलब? हाँ दादा, छुट्टी का मजा पूरा तो लेने देते, आपने तो टास्क देकर उस मजे को पहले ही कड़वा कर दिया। कर लो बात। यारा हमारी फौज में एक कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। पसीना यहां ज्यादा बहाओगे ना तो रणभूमि में कम खून बहाना पड़ेगा, समझे? दादा एक सच्चा राजपूत बोला, समझ गया सा। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। गेट रेडी गाइस, 15 अगस्त का जश्न मनाएंगे। चल विश्राम, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। इंडिया इज एन आइडिया वर्थ डाइंग फॉर। आज के दिन सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि एक सोच, एक आइडिया, एक विचारधारा को आजादी मिली थी, जिस विचारधारा के लिए हमारे अनेकों वीरों ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हमारे देश की संस्कृति दुनिया की किसी भी संस्कृति से बढ़कर है, क्योंकि हमारे संस्कृति ने ईश्वर के सच्चे रूप को जाना है, पहचाना है। हर भारतीय कण कण में, जीव जंतु में ईश्वर के दर्शन करता है, जो कि किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलता। तो सिपाहियों, इस 15 अगस्त को हम शपथ लेते हैं कि इस विचारधारा को बचाने के लिए हमें किसी तरह की कुर्बानी देनी पड़े तो हम तैयार रहेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जो अपनी पलटन तो पर्वत हट जाए,
दरिया रास्ता छोड़े चट्टाने कट जाए, चले जो अपनी पलटन तो पर्वत हट जाए, दरिया रास्ता छोड़े चट्टाने कट जाए, एक साथी है दाए एक साथी है बाए, एक साथी है दाए एक साथी है बाए, हटे ना हम जो किसी मोर्चे पर डट जाए। पलटन ओ पलटन, पलटन ओ पलटन, पलटन ओ पलटन, पलटन ओ पलटन, तेरे लिए हम लाए हैं तन मन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे तेज धड़कने तेज कदम है, हिलता है आकाश भी जब यूं चलते हम हैं, पैरों को छूने आती है खुद ही राह है, हर मंजिल है मिलती हमसे खोले बाहें। पलटन ओ पलटन, पलटन ओ पलटन, पलटन ओ पलटन, पलटन ओ पलटन, तेरे लिए हम लाए हैं तन मन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।我们已经拿过了山寨，我们要霸占西京，因为战死西京不是印度的土地，要霸占西京的话，我们要先霸占纳土拉，但是印度领导萨卡德行在那边，要霸占纳土拉的话。 我们要选印度领导先赶走，明白了吗？明白了，明白了。好了，好。पत्थर तोड़ने और किसी को फोड़ने का मजा ही कुछ और है। पांडे जी, जी कुछ दिनों पहले मैं गांव गया था जी, वहां मैंने देखा कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे, गांव के ही लड़के थे। बड़ा अफसोस हुआ कि जिनकी रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर पहरा दे रहे हैं वो अपनों में असुरक्षित हैं। सही कहा। मैंने उनको बुलाया जी, मैंने कहा भैया मुर्ख बन जाओ, पंडे बन जाओ, उनके समझ ना आई, एक एक को पटक पटक के मारा। अरे साहब जी, आपके डोले शोले देख के तो लगता है आपने बहुत बुरी तरीके से मारा होगा उनको। और नानी याद दिलवा दी होगी सालों की। क्या बात है मेजर, ये काम भी खुद ही कर रहे हो। सर आप तो ऑफिसर हो। मेजर, ऑफिसर से पहले किसान का बेटा हूँ, बचपन से खेतों में खेला हूँ, ये सब तो मेरे खिलौने। आपने तो लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा साकार कर दिया, जय जवान जय किसान। मेजर आपके अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? कॉमन। जवान और किसान में यही चीज कॉमन है, दोनों मिट्टी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बचपन में जब स्कूल की आधी छुट्टी होती थी तो मैं सीधा खेतों की तरफ भागता था अपने पापा की मदद करने के लिए।
आज मेजर बनने के बाद भी जैसी छुट्टी मिलती है सीधा गांव जाता हूँ, सामान फेंकता हूँ, खेतों की तरफ भागता हूँ, अपने पापा की मदद करता हूँ, बड़ा मजा आता है। बिशन सिंह जी, मुझे ना मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। पिछले जन्म असली मोती दान किए होने ने जी ऐसा बेटा मिल गया है। मेजर है, छुट्टी ते आया है, आराम करने की बजाय हाल चला रहे है। इतना बचपन तो ही काम काज विच तुहाडा हाथ बना रहा सी। रब नु बहुत ही लंबी उम्र दे, वाहेगुरु मेहर बनाए रखे। ओ पुत्तर, किन्ना काम करूगा, रोटी दा वेला हो गया। ओ मेरी मदर इंडिया, थोड़ा और जोत लेंदे, बहुत दिनों बाद मौका मिला, चल 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 चल। लो जी, आ गई अपनी पड़ोसन। ओहो, आजा आजा हरजोत। सस्रीकाल जी। सस्रीकाल। बड़े चंगे वेले आई है। हाँ जी। इन्ने गौना की देखी जा रही है चाचा जी? ले पुत्तर, तू भी देख ले कुड़ी दी तस्वीर, बड़े अमीर घर दी कुड़ी है। हर भजन लई रिश्ता आया है, सानू ते कुड़ी बड़ी पसंद है। तू दस किद्दां दी है कुड़ी? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਕੜ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆ, ਬੜੀ ਰੋਬ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਜੈਸੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਗਿਆ? ਮੰਨ ਜਾਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਹੈ ਕੁੜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓ ਇਤਨਾ ਨਟਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗ ਲਗਾ ਦੀ। ਓ ਵੜ ਗਏ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣਿਆ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰੋਂ। ਮਰਵਾਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਓ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ। ਦੇਖ ਮੇਜਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਓਏ ਸੁਣ, ਛਲਾਂਗ ਵਲਾਂਗ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਿਸ ਗੋਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮਿਸਿਸ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, मुझे पता है कि तेनू पता है कि मुझे केड़ी कुड़ी पसंद है, इसीलिए इतना कट रही है तू। पर मेनू तो मेजर साहब बिल्कुल पसंद नहीं गा। पसंद नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी। मैं पागल हां तेरे ते, पागल चान छिड़क दी तेरे ते, जेड़ा ये दिल धड़कदा है ना तेरे नाम ते धड़कदा है। अच्छा, हुण मैं तेरी सारी गल मान ली। मेरी एक मान ला, बोल। अपने मां बापू दे नाल एक मेरी फोटो भी बटुए रख ला। ठीक है भाई, रख लवांगा, फोटो रख लवांगे अपने सीने विच लगा के। अब एक झप्पी तो पा दे इसी बात पे। अरे मर जावा। बिशन सिंह जी, उसने तो उस लड़की का फोटो पानी में फेंक दिया, लेकिन मैंने हरजोत की यादों की नदी को समेट कर अपने दिल में रख लिया। ये कैसा शोरगुल? चीनी हरकत। अरे चलो भाई, चीनी आ गए, चीनी आ गए। ए चलो, सावधान सावधान सावधान। अत्तर, इनको क्या हो गया? कल ही तो मिठाई खिलाई थी, अचानक मूड कड़वा कैसे हो गया? ये मिठाई तो 1962 में ही कड़वी और बासी हो गई थी, कल ही की तो बात है। इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर
हमारे भाइयों की पीठ में खंजर घोपा था। ये 1962 ना है, 1967 है, और भगवान ने चाहा तो इस बार अपने शहीद भाइयों का बदला जरूर लेके आ। डागर, जैसा इन लोगों को अचानक क्या हो गया? हाँ, जवानों से कहो एक्शन के लिए तैयार रहे। सर, जवानों एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? टाइगर नथुला, सर माय फियर्स केम ट्रू। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था, इन्होंने अपनी हरकत शुरू कर दी। कुछ नहीं है सर, सिर्फ डराने आए। पिछले 3 सालों में इन लोगों ने मेरे बटालियन के साथ ये हरकतें कई बार करी हैं। हवलदार पराशर। सर, जरा इनसे पूछो इनको क्या चाहिए। नियमन को लाइट सो समाओ। अमन चाय चली फांगे नियमन ताचा चितवा। सर ये बोल रहा है कि ये हमारी नई पलटन का स्वागत करने और मिलने आया है। अच्छा, बंदूकों से? नियमन ना मोतोपिन हाई यो छांग फो फाओ लाइट चली फोन नी वोमान वही समो छांग छा हाओ हाँ यही नियमन। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। चौ टाइगर सर, ऑल प्लेटून कमांडर्स टू रिपोर्ट। सभी प्लेटून कमांडर गोईघर में सीओ सर को रिपोर्ट करेंगे। यस सर। कंपनी डिसमिस। सर, ये चाइनीज जो हरकत कर रहे हैं मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। ध्यान से सुनो, इनके माओ ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है लिटिल रेड बुक। ये किताब मैंने इंग्लैंड में पढ़ी थी। उस किताब के अंदर दुश्मन के खिलाफ किस तरीके के हथकंडे अपनाने हैं वो सारी बातें लिखी गई हैं। आज ये चाइनीज वही हथकंडे हमारे ऊपर अपना रहे हैं, जिसकी दिमागी दबाव बनाना, उकसाना। दिस इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये हमें डराना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि 1962 का भूत आज तक हमारे अंदर है, जो कि है नहीं, राइट? यस सर। गुड। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम इन चाइनीज के लिए भूत बन जाएं। आर यू रेडी? यस सर। और भाई सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक ठाक है भाई। अरे भाई लगता है मेजर साहब की चिट्ठी आई है। दादा, क्या बात है दादा, लगता है भाभी की चिट्ठी आई है। अरे फौजियों को 2 ही चीजों का तो इंतजार रहता है, दुश्मन की गोली और घर से आई चिट्ठी। और तेरी एक बात का शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गया यार, शादी में बड़ी रौनक लगाई। तेरी भाभी बोल रही है कि मेरे बेटे समान देवर से पूछना कि बंकर में ही जीता रहेगा कि शादी वादी भी करेगा। दादा ये भाभी के शब्द तो ना लग रहे हैं, ये तो किसी फौजी के शब्द लग रहे हैं। तेरी भाभी ने लिखा, पढ़ ले। नहीं 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 दादा। दादा वो मेरी सगाई हो गई है। यारा बताया नहीं तूने? और दादा वो शादी भी होने वाली है, और आप दोनों के बिना तो होगी नहीं, तो आप दोनों को तो आना ही होगा। शादी की तैयारी तो हम ही लोगों ने करनी है ना। एक बात बता। जी। लड़की से मुलाकात वुलाकात की के नहीं की? मुलाकात भी हुई और सगाई के बाद उसे घुमाने भी ले गया। आइए एक मिनट, ये इधर।
कैप्टन साहब, ये कहाँ ले आए आप? अभी आप ही देखिए ना, घर वालों ने खुद का मुंह मीठा तो कर लिया पर हमें भूल गए। ये कोई बात हुई? नहीं, आप ही बताइए, कोई बात हुई तो सोचा क्यों ना अकेले में एक दूसरे का मुंह मीठा कर लेते हैं। जी नहीं, और गुड़ से मीठा क्या हो सके, है ना? तो गुड़ देना। अरे गुड़ दे दे भाई इनको। जल्दी देना, पानी पियेंगे आप? नहीं। ले भाई। जी हम गुड़ खाएंगे। अच्छा गुड़, लो साहब। ये गुड़ आ गया, ये लीजिए, आइए। आइए ना, अच्छी जगह है। जी धन्यवाद जी। अरे आप तो सीरियसली खाने लग गई। गुड़ खाना तो एक बहाना था ताकि हम आपको जान सकें, आपसे मुलाकात हो सके। हम जानते थे कि गुड़ खाना सिर्फ एक बहाना ही है। वो कैसे? जब आपने हमारे हाथों में ये अंगूठी पहनाई थी ना, मर गए, और हमारा हाथ दबाया था, हम तभी समझ गए थे। अच्छा कुछ कुछ तो बात कीजिए अपने बारे में। अपने बारे में नहीं, अब से जो भी होवेगा हमारे बारे में होवेगा। अब से जो आपकी पसंद वही हमारी पसंद। अच्छा आप पिक्चर देखती हैं? हमारे यहाँ लड़कियों को पिक्चरें देखने की परमिशन ना है। परमिशन ना है? अच्छा, मुझे तो पिक्चर देखना बहुत पसंद है। चलो ना पिक्चर देखने चलते हैं। हमारे यहाँ लड़की को शादी से पहले लड़के के साथ पिक्चर देखने की परमिशन भी ना है। आप हाँ तो कीजिए, हम अपने भैया से बात करके आपके परिवार से परमिशन भी दिला देंगे। और आपको पता है इसी शुक्रवार फिल्म भी लगी है, उसने कहा था फौजियों पे है, चलिए ना देखने। ना बाबा ना, फौजियों पे है तो उसमें लड़ाई जरूर होगी, हमला होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि आप पर हो रहा है ना, हम नहीं देख पाएंगे। फिर तो आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि हमारी लाइफ कैसी होती है, हम वॉर कैसे लड़ते हैं। एक बात पूछे कैप्टन साहब? जी। आपको आपका मुल्क ज्यादा प्यारा है या हम? देखिए मैडम, आप मां के साथ अपनी तुलना कर रही हैं और धरती हमारी मां है। मां है तो हम हैं, आप हैं, और आपकी रक्षा तो हम मरते दम तक करते रहेंगे। आप मरने वरने की बातें मत कीजिए, आप तो बस जिंदगी भर हमारा साथ निभाने और हमारी रक्षा करने की बातें कीजिए। अच्छा तो ये बताइए कि और आप क्या करेंगी? हम आपको इस गुड़ से भी मीठा प्यार देंगे। तो दीजिए ना अभी यहाँ खेतों में। बड़े बदमाश हैं आप कैप्टन साहब। देखिए आपको सब्र करना होगा, इस गुड़ की मिठास आपको शादी के बाद ही चखने को मिलेगी। नहीं, सोचिए कि शादी हो गई है तो गुड़ से मीठा एक थोड़ा प्यार, नहीं मतलब कि गुड़ हो जाए तो अच्छा होगा ना। यही खेतों में सारी कप्तानी निकल गई। और दादा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम दोनों के जब बच्चे होंगे ना उन दोनों की शादी करा के हम दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे। एक मिनट ब्रेक लेगा, थोड़ा धीरे चल, बच्चे होने दे, साथ में बड़े होने दे, फिर सोचेंगे ना। उससे पहले चीनियों का काम करना है, चल। हाँ दादा, उठ। यस दादा। सो आई हैड अ मीटिंग विद द जीओसी, इट वाज अ गुड मीटिंग, क्योंकि उन्होंने मुझे फुल पावर दिया है कि मैं इन चीनियों के साथ मैं अपने तरीके से बर्ताव कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया, ये चाइनीज जो हरकतें हमारे साथ करते रहते हैं
क्यों ना हम अपनी स्टाइल में इन्हें समझाएं कि ग्रेनेडियर्स क्या कर सकते हैं. सर, यू सी, यू हैव टू पे द एनिमी बैक इन द सेम कॉइन. बहुत खूब सर. सर, मेजर हरभजन का भी कहना है कि जब भी यहां पर कोई नई पलटन आती है तो उसे डराने के लिए चीनी ऐसी ही हरकत करते हैं, तो इन्हें छेड़ने की क्या जरूरत है सर? क्या जरूरत है रियली मेजर? क्या जरूरत है? यहां से कुछ मील दूर जलेप्ला है, जो 1965 में चाइनीज ने ले लिया था. क्यों? पाकिस्तान की मदद करने के लिए, एक नया फ्रंट खोलने के लिए. तो जरूरत है मेजर साहब, टाइगर, इन्हें समझाना है कि ये जलेप्ला नहीं नाथुला है. सर, इन्होंने तिब्बत तो ले ही लिया और अब इनकी नजर अरुणाचल पर भी है. यस आई नो दैट. सो इनफ ऑफ टी बॉयज, व्हाई डोंट वी गो शो देम जी कि ग्रेनेडियर्स किस फौलाद के बने. बहुत खूब सर. गो हैव सम फन बॉयज, कम ऑन, चीयर्स. चीयर्स बॉयज. हमारे सीओ साहब थोड़े एंबिशियस हैं, अंग्रेजों से ट्रेनिंग लिया है ना इसीलिए, लेकिन आप लोग थोड़ा संभल के, कहीं ऐसा ना हमारी ये हरकत लड़ाई का रूप ले ले. राइट सर. सर, हम लोग आपको यहां से कवर देंगे जी. ऑल द बेस्ट. चलिए. सर, ये पूछ रहे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं. अरे भाई परासर, इनसे कह दो कि हम इनसे गले मिलने आए हैं. वोमेन लाइसली यंग पाउन येमन यंग चंग हो पाल है हुआ इन ओमन. सर, ये पूछ रहा है कि ग्रेनेड्स और बम के साथ. अरे भाई परासर, इनसे कह दो कि हम हिंदुस्तानिया ऐसे ही गले मिलते हैं. यंग पाउन है ठीक है ठीक है फांगो ठीक है चुगो बु हाउ ये चुगो सो ओमन द माओ चिशी द थुती निमन सुनसा ली मासंग लिखाए बु नंद हवा हाउ को हुई थोई निमन बु हाउ. ए भाई, के चुचाचू कर रहा है ये? सर, ये हमें पीछे हटने के लिए बोल रहा है. बोल रहा नहीं हटे तो अंजाम बुरा होगा. अंजाम बुरा होगा तो ले भाई, कर दिया हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन. और ये रहा हमारा धपाओ तुम्हारे सीमा के अंदर. वुमन दपान चाओ साई नियमन दूती लियमन. आता हूं बोल. तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो. सॉरी बोलो और चले जाओ यहां से. सॉरी? अरे किस बात की सॉरी? अरे सॉरी तो तुम्हें बोलना होगा. जिस बेदर्दी से 1962 में तुमने हमारे राजपूत सैनिकों को मौत के घाट उतारा था ना, उसके लिए तो तुम्हें जिंदगी भर माफी मांगनी होगी. समझा चीनी? और माफ तो हम तुमको तब भी नहीं करेंगे. सौरभ अपने राजपूत भाइयों की मौत का बदला जरूर लेंगे तुमसे. नियमन सा छड़ना पीछे मोड़. सर, हम लोगों ने उन चीनियों को थोड़ी धमकी क्या दे दी? उन सालों की तो बोलती ही बंद हो गई. उनकी शक्ल देखने वाली थी सर. मजा आ गया सर, मजा आ गया. अरे भाई परासर, अगर सामने वाले के अंदर डर पैदा करना है ना, तो अपने अंदर का डर निकालना होता है. और हमने अपने अंदर का डर क्या निकाला, सालों की तो हवा ही निकल गई. 8-10 सालों को कुछ सही कहा डागर, और इसी बात पे तो मेरा खून खोलता है. क्योंकि ये साले ये हमेशा से डरपोक का आते हैं, बस इनका हवा बना हुआ है. राइट सर, लेकिन एक बात अप्रूव हो गई,
जो भी इन्होंने हमारे साथ किया था वो धोखे से किया था, बहादुरी से नहीं। सही कहा अत्तर सिंह, लेकिन अब हमने इनको टटोल लिया है और तोल लिया है। जब चाहे ना तब इनको मसल देंगे। अरे चीनों ने हमारे सीमा में बंकर बनाना स्टार्ट कर दिया, साहब को जल्दी इन्फॉर्म करो। पैंथर टू टाइगर, पैंथर टू टाइगर, साहब चीनियों ने हमारे सीमा में बंकर बनाना शुरू कर दिया साहब, ओवर। ए यो यो, व्हाट द हेल इज दिस? ये बंकर नो माइंस लैंड में है, रिमूव इट। पुसा कसो मंदी दीवा सर, ये बोल रहे अपनी सीमा में बंकर बनाया है। रिमूव दिस बंकर, पुसा इट्स ऑन नो माइंस लैंड। जसो मंदी दीवा, remove this bunker. Okay, take it. Guys, we want to move. Okay, आपने चेयरमैन माओ की पवित्र धरती पर घुसकर हमारे काम रोकने को कोशिश क्यों किया? क्योंकि ये तुम्हारी धरती नहीं है, ये नो मैन्स लैंड है, और तुम यहाँ पर बंकर्स क्यों बना रहे हो? कौन कहता है कि ये नो मैन्स लैंड है? ये हमारी धरती है, और साबित कौन करेगा ये नो मैन्स लैंड है? साबित करो। टाइगर नथुला सर, जरा कमिश्नर को दिखाइए कि नो मैन्स लैंड और अंतरराष्ट्रीय सीमा कहाँ है। आइए मेरे साथ चलिए। कॉमिसार, ये हमारी जमीन है, ये हमारी लाइन है, ये हमारा हिस्सा है कॉमिसार, ये हमारा हिस्सा है। तुमने नो मैन्स लैंड का उल्लंघन किया है कॉमिसार। तुम हमारे धरती पर आए हो, तुम लोग धोखेबाज हो, अब तरह चले जाओ। अब तब तो धोखेबाज हो, धीरे धीरे करके हमारे कॉमिसार ये बॉर्डर लाइन पर है, ये हमारी है, लेकिन तुमने हटा के वापस हमारी तरफ यहाँ बना दिया। माओ का पवित्र धरती है, हटा यहाँ से, हटा यहाँ से। साली चीनियों की फितरत बदलेगी नहीं। सीए साहब आप पीछे हटिए, पीछे हटिए सीए साहब, सीए साहब को लेके जाओ। आप पीछे हटो, संभल के आगे बढ़ो, छोड़ मत। सर, कल चीनियों ने नो मैन्स लैंड पे अपना बंकर बनाया, जिसकी वजह से उनसे झड़प हुई और पत्थरबाजी हुई। सिर्फ उनकी तरफ से या आपकी तरफ से भी? पत्थर का जवाब ने पत्थर से दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे दो सोल्जर्स इंजर्ड हो गए, लेकिन उनके कहीं। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, गुड जॉब। सर, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि चीनी इतने बहादुर नहीं जितना उनका हवा बना हुआ है। अपने दुश्मनों को ज्यादा कमजोर मत समझो। उनकी फिलॉसफी है कि जब वो कमजोर होते हैं तो अपने आप को ताकतवर दिखाने का ढोंग करते हैं, और जब ताकतवर होते हैं तो कमजोर होने का ढोंग करते हैं। 3 साल से झेल रहा हूं, 3 साल से भुगत रहा हूं। 1965 में मुझे स्पीकर्स पे धमकियां देते थे कि नथुला छोड़ दो, वरना वही असर करेंगे जो हमारा 62 के वॉर में किया था। I trust you totally, Colonel Rai. Your decision will be final. You have my full support, Jen. Thank you, sir.
जैन साहब। जैन, चीनियों की कोई हरकत नहीं साहब। ध्यान रखो, शाबाश। जी साहब। बैठ 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 बैठ। चीनियों की कोई हरकत नहीं सर, अब तक तो कोई हरकत नहीं। वेरी स्ट्रेंज। तो घर पे सब ठीक है अत्तर सिंह? जी सर, घर पे सब ठीक है। जैन साहब, राम राम साहब। जैन साहब, राम राम साहब। जैन, व्हाट इज इट? सर कुछ गड़बड़ है। रात को चीनियों ने नॉर्थ शोल्डर पे अपना संगर बना लिया है। ठीक है, हम वहां चलते हैं। जी सर। कॉल द ऑफिसर्स। जी सर। आइए। ये देखिए सर, ये नॉर्थ शोल्डर का वो हिस्सा है जिसे मराठा लाइट इन्फेंट्री छोड़कर चली गई थी। और तब से इसका एक हिस्सा चीनियों के पास है और एक हिस्सा हमारे पास। राइट सर। दिक्कत वहां पर आई जब हमें वाटरशेड नहीं मिला और इंटरनेशनल बाउंड्रीज का डिमार्केशन ठीक से नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने इस लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री मान लिया। अब जब इस लाइन को बाउंड्री मान ही लिया है तो इसके इतने पास इन लोगों ने संगर बनाया। सर मुझे लगता है हमारी जमीन पर घुसे ही चले आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही अंदाजा है तुम्हारा। इनसे पूछो कि लाइन के इतने करीब क्यों आए। निमन वाई सिमाओ खाउचु कोचिन चाइसेन शाचाकन ओमन चाय ओमन माओ चूशी द थूती सांगचेन हाओ। सर ये बोल रहा है कि इन लोगों ने माओ के पवित्र धरती पर ही संगर बनाया। वो सब ठीक है, लेकिन लाइन के इतने करीब क्यों? खाउचुन से चाय चाय सीन चसो मंग ती फंग। अरे बहुत हो गया तेरा चाव माओ। उकार बेकर के संगर चला रहे हो। चल आप शेन से धावन तेज धावन तेज धावन तेज धावन पीछे हट। हां हट हट होल्ड होल्ड इट। सब पीछे हट जाओ। Everybody get back! Fall back! Fall back! It's an order! Guns down! Changsha! ठीक है, इनके बिल्कुल सामने अपने भी संगर बना दो। जी सर। Hold back. ऐसे उठा के पटको जैसे चीनियों को पटक रहे हो। चलो चलो मेरे शेरों, जान ला के खोदो। चलो रोटी खानी है फिर साथ में। चलो जवान, संगड़ को दाएं साइड से कवर करिए पूरी। सर ये चीनी आ गया वापस। अरे यार ये फिर आगे तंग करने। मुझे पता था ऐसा। अगर भाई इन लोगों से कह दे अगर इन्होंने काम रोका ना तो इनकी हड्डियां तोड़ के उसका चाइनीज सूप बना के पी जाऊंगा मैं। सर नियमन कांतिन सर वुमन दखवा वुमन हो पानी दा चा चाथवा यहाँ लाइला सुथांग निमन शांत चो छोड़ो निमन शांत आओ मना निमन शांत आओ मना तेज धावन तेज धावन तेज धावन ओए रुक जा आप
कितनी मरोड़ दे दाथावन आओ सड़ो शेर सुधावन मैं सीधा हूं आओ दाथावन मेरे हाथ लगे हो दाथावन दाथा ना मत सर फेंको फेंको यार छोड़ मत उसको आज जा ये ले तू गई फिर से गई आओ को रुई बोहा तू गई चाओ शेर तू गई अत्तर सिंह सर सर आप अपना काम खत्म कीजिए मैं इनको देखता हूं पाल्टन चलो चलो जवानों जो आजू था ताई था मंचाओ ये ज्ञानी जी ने तो टैक्टिकल मूव कर दिया देखा जाए तो पूरी फौज खुद ही रोक दी उन्होंने ए, पीछे हट सरेंडर कर दो फिर भगाएंगे ओ तेरी ज्ञानी जी तो फंस गए अब इनका इंटरोगेशन होगा ना भाई ज्ञानी जी हैं चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता तो जरूर जानते होंगे क्यों संगठ बनाने के लिए वक्त मिल गया चलो 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 कोई यहाँ पर चार बोरी लक्ष्मण सुरेंद्र बताओ लग जा जय हिंद साहब जय हिंद आइए सीओ साहब कहाँ हैं साहब सीओ साहब और सभी लोग आपका बंकर में इंतजार कर रहे हैं साहब सर अत्तर सिंह साहब अरे क्या बात है अत्तर सिंह चक्रव्यूह से निकला है शाबाश शाबाश मेरे शेर शाबाश शाबाश सर You all right? I'm all right, sir. Well done, Attar Singh. जो सोल्जर दी हुई ड्यूटी से बढ़कर काम करता है वो तारीफ के काबिल होता है That was a good tactical move. अब मुझे बता वहां क्या हुआ सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था उनकी पूरी तैयारी नाथुला के लिए है ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो सर वहां पर बहुत सारे ट्रक सामान से लदे हुए थे और काफी आर्म्स एक्टिविटीज भी चल रही थी जो हमारी ओपी पोस्ट से नजर नहीं आती उन्होंने तुमसे इंटरोगेशन में क्या पूछा सर मैंने तो सोचा था ना जाने क्या क्या करेंगे हमारे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया बस बताते रहे कि कैसे उनका देश हमारे देश से और ताकतवर है और कैसे उनके शहर हमारे शहरों से और बड़े हैं और सर उन्होंने ये भी कहा कि तिब्बत को उन्होंने जबरन नहीं लिया वो हमेशा उन्हीं का था एंड सर दे टोल्ड मी अगर हमें यकीन नहीं है तो हम चीन के इतिहास को देख सकते हैं हाँ वो तो देख चुके हैं ये चीनियों का नक्शा तो बदलते रहता है लद्दाख नहीं तो फिर अरुणाचल अपने नक्शे में डालते रहते हैं बॉयज वी हैव टू काउंट देयर रेडीनेस वी विल बी रेडी व्हेन दे कम सर सर कमाल क्या बात है अत्तर सिंह
सूरज भान जी साहब, इन चीनों ने तो हमारी तरफ ट्रेंच खोद दिए। हाँ साहब, इनकी इतनी हिम्मत, टाइगर नाथुला को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जी साहब, पैंथर टू टाइगर, पैंथर टू टाइगर, ओवर। टाइगर नाथुला को इन्फॉर्म करो कि इन चीनियों ने नॉर्थ शोल्डर पर हमारी तरफ ट्रेंच खोद दी है, ओवर। हम टाइगर नाथुला को स्पॉट पर भेजते हैं, ओवर एंड आउट। टेन मैंने अपनी पलटन को इसलिए रोक के रखा ताकि कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे जंग छिड़ जाए, मगर कुत्ते की तुम सारी सुधरेगी नहीं। लेकिन आज तुम लोगों ने हमारी माँ की शादी पर कुल्हाड़ी मारी है। आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा का नियम मालूम नहीं है? अरे तुम्हारी नीयत और ज्योग्राफी दोनों खराब है। ये सब हरकत इसलिए कर रहे हैं ताकि लड़ाई शुरू हो सके। सर आप ऑर्डर तो दीजिए, शुरुआत हम ही कर देते हैं और खत्म भी हम ही कर देते हैं मेजर। फॉरवर्ड पॉलिसी, उसी की नकल कर रहे हैं ये लोग। आपने इतने अंदर आकर खड्डा खोदने की हिम्मत कैसे की? जैसे 1962 में की थी। 4 फुट का चीनी और 4 फुट का खड्डा काट दे क्या सर? चल। Call your commissar. I want to talk to him. Call your commissar. I said call your commissar. I want to talk to him. चल पीछे। Go get your commissar. आलिया मोटा। Commissar, you seem like a reasonable man. लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे धरती में आके trenches खोदेंगे। अब बताइए, क्या ये आपके ऑर्डर्स थे या फिर इन्होंने अपने मर्जी से खोदा है? निमजा सुबह बुकाई से आजोरा पुतु पुताई निमक बुकाई से आजोरा रोजोरा शिशिन तिबुची। हमारे सैनिकों की हरकत के लिए हम माफी मांगते हैं। ये ट्रेंच हम भरवा देंगे। गुड। हिंदी चीनी बाय बाय। हिंदी चीनी भाई भाई, चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। So, let's proceed to the trenches. वोटेशर प्रिंसिपल के हिसाब से हमारी टेरिटरी के अंदर आकर उन्होंने ये ट्रेंच खोदा। एक्सेलेंट। पिछले 3 सालों से यही मौके का इंतजार कर रहा था मैं। सर लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि इंटरनेशनल बॉर्डर के डेमार्केशन अब तक फेंसिंग से क्यों नहीं की गई? अभी करेंगे। We'll do it now। क्योंकि गलती चीनियों ने की है, अब हम वायर लगाएंगे। एक बात होता है सर कि हमारी पलटन को भगवान ने शायद इसी काम के लिए यहां भेजा है। सर सर, मैं उम्मीद करता हूं कि 1962 की तरह हम मारे नहीं जाएंगे। मारे जाएंगे हम? अरे मारेंगे तो अमीन को। और अत्तर सिंह, तुम तो बहादुर कौम से हो तो बहादुरी की बात क्या करो? सर आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।
worst. That's the way it should be, youngster. अगर दुश्मनों के दिल में डर डालना है तो अपने दिल से डर निकाल के उनके दिल में डालो। सर, अब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। We will put the barbed wire. Yes, yes, sir. So you called us, sir? Jain, sir. Jain, sir. Jain. Tiger एक बहुत बड़ी खबर है। सब ठीक तो है, सर? कुछ ज्यादा ही ठीक है। क्या खबर है, सर? वैसे नहीं बता सकते। उसके लिए पहले गले मिलना होगा। कंग्रेचुलेशंस टाइगर, तुम बाप बनने वाले हो। अरे वाह! थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। अरे मेजर मेजर मेजर, मुबारक हो। दादा दादा, कंग्रेचुलेशंस दादा। थैंक यू यारा, बधाई हो सर। लख लख बधाइयां मेजर साहब। भजन दादा, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला है। बड़ा खाना तो बनता है, बनता है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर, इजाजत सर। सर, ऑफ कोर्स, देयर इज अ टाइगर कब ऑन द वे। ये चंगी गल है सर। गॉड ब्लेस टाइगर। थैंक यू सर। गेट बैक टू योर पोस्ट। कम ऑन सर। राइट सर। चलिए मेजर साहब। ओ बल्ले बल्ले हो गई मेजर साहब। थैंक यू करण। राय, माना कि आपकी अंग्रेजों की ट्रेनिंग ने आपको बहुत इंस्पायर किया होगा, मगर आप ये मत भूलिएगा कि उन्होंने दो वर्ल्ड वॉर लड़ी है। जोश में ऐसा कुछ मत कर बैठना कि आपको कुछ हो जाए। You know, darling, the last thing an army man wants is war. कोई फौजी लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ा नुकसान उसी का है, क्योंकि वो अपने परिवार को पीछे छोड़कर जाता है। शुक्र है आपको अपने छोटे से बेटे का इतना ख्याल तो है। और मुल्क का भी। क्या बात है करण, हमसे बहुत दूर खड़े हो। अब आप जा रहे हो? बस थोड़े दिनों के लिए बेटा। आपने तो कहा मम्मी भगवान के पास गई है, वो तो वापस नहीं आई। आप तो आओगे ना? ए, I promise मैं वापस आऊंगा। और ऐसे कभी बात मत करना। आई लव यू बेटा। मेजर चीमा, इंजीनियर्स ऑफ 70 फील्ड कंपनी को नाथुला पास पर फेंसिंग लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। यू रिपोर्ट टू लेफ्टिनेंट कर्नल राय। सर, जय हिंद सर। जय हिंद। मेजर चीमा रिपोर्टिंग सर, 70 फील्ड इंजीनियर्स। दिस इज कैप्टन राहुल शर्मा, माय 2IC। गुड, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सर। That's Major Bishen, Tiger Nathula. Major. Major Harbhajan Singh, 18 Rajput, Captain. Captain P.S. Dagar, sir. Good to see you, Captain. Second Lieutenant Attar Singh, sir. Good to see you, too. And these are Havildar Parashar, intelligence and our Chinese interpreter. Welcome, right. Sir. Welcome. Jaise ki aap jante hain ki Jyoti sahab ne Nathula Post ke international border ki cattle fencing ka kaam aapko diya hai. Ji, sir. Us duran, Major Harbhajan, sir, jo North Shoulder ke incharge hain, Captain Dagar, जो सेंटर बम के हैं, और सेकंड लेफ्टिनेंट अत्तर सिंह जो साउथ शोल्डर के इंचार्ज हैं, ये सभी ऑफिसर्स अपने प्लेटून के साथ आपकी टीम को प्रोटेक्शन देंगे। Got it, sir. और तार लगाने में भी मदद करेंगे। Is that clear, gentlemen? Yes, sir. Right, sir. Good. एक जरूरी बात मेजर जी। एस टाइगर नाथुला, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आगाह कर दूं कि चीनियों से हमें बहुत खतरा है। Understood. And always remember, आप सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, सोल्जर्स भी हैं, जो जरूरत पड़ने पर कभी भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऑफ कोर्स, जवाब देंगे सर। सावधान सर।
With your permission, may I brief them, sir? Go ahead, Bishen. Vishram! Bahadur Jawano, CEO saab ne hamari company ko Nathula Pass par fencing lagane ka kaam saunpa hai. Aur hamari company isme ekdam khari utregi. Fencing lagane ka kaam subah 500 hours pe shuru hoga. Is kaam ke liye number 1 aur number 2 ke platoon engineers sauce carry karenge. Number 3 platoon engineers Major Cheema ke under फेंस लगाने का काम करेंगे। इस कार्रवाई के दौरान कैप्टन पीएस दागर की टीम हमें प्रोटेक्शन देगी और साथ में मेजर हरभजन सिंह के बहादुर जवान हम सब की फेंस लगाने में मदद करेंगे। हमारी पार्टी 400 आस पर नाथुला पास के लिए रवाना होगी। गाइस ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्स आर नॉट मेड ऑफ स्टोन्स, दे आर मेड ऑफ ब्रेव मैन। मजबूत दीवारें पत्थरों से नहीं बनती, वो बनती हैं बहादुर जवानों से। कोई शक? सावधान, सर। आई गिवन माय ब्रीफिंग, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग सर? विश्राम, बहादुर जवानों, जीओसी साहब ने हमारी बहादुरी और हौसले को देखकर हमारी पलटन को यह टास्क दिया है। इस टास्क के दौरान चीनियों की फौज हमें भड़काने और उकसाने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें बड़े संयम से हमारे काम को अंजाम देना होगा। इज दैट क्लियर? सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा साले चीनी मरने के लिए गेट रेडी बॉयस। हमारी नीयत खराब है, हम फेंसिंग नहीं लगाएंगे और तुम्हें भी नहीं लगाने देंगे। यहाँ कोई काम नहीं रुकेगा, ये हमारे ऑर्डर्स हैं। टेंस थामन, टेंस थामन, टेंस था टाक आक 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 टेंस था, टेंस था, होल द लाइन, टेंस था, टेंस था।
मेजर तार उधर खींचो। क्या फेंस लगा रहे हो? इतना सालों से तो आप लोग नहीं लगाए थे, अब इसका जरूरत क्या है? जरूरत है कौन सा? वो क्या है कि हमारे रोज रोज के झगड़े, आपका कहीं भी संगर बनाना या फिर हमारे टेरिटरी में आकर ट्रेंचेस खोदना या फिर आईबी को लेकर झगड़ना, इन सब झगड़ों को खत्म करने के लिए हमारे हाईकमांड ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हम क्यों ना एक फेंस ही लगा दें। और आप तो समझदार हो, आई एम श्योर आप हमारे हाई कमांड के ऑर्डर से सहमत होंगे, और आप चाहे तो आप भी एक फेंस लगा सकते हैं। ठीक है, मैं भी आप जैसा अपने हाई कमांड से बात कर लूंगा, और उसका जो भी ऑर्डर होगा या जो भी अंजाम होगा वो आप लोग भुगतना पड़ेगा। ओके, भुगत लेंगे। काम चालू रखो। सर, चलो जवाब जल्दी कराओ और रफ्तार बढ़ाओ। चलो चलो चलो। इंदौर ना थोला चल आई का वो लेन तक निशा मिले कौ सु क्या कर रहे हो? हमारा तार क्यों काट रहे हो? आपका सीईओ को बुलाओ। अल्फा टू टाइगर टाइगर साहब, यहाँ पर चीनियों ने तार काट दिया, आप जल्दी आ जाइए। कमी साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने आपसे कहा था कि हम हाई कमांड से बात कर लूंगा, उसने कहा कि आप ये फेंस लगा के गलती कर रहे हो। हमने कोई गलती नहीं की, ये फेंस हमारी सीमा में, हमारे और अंग्रेजों के बीच 1890 में जो समझौता हुआ था, सिक्किम का लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर कर दिए थे, उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, आप उसका छेड़छाड़ कर रहे हो। हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। कॉमिसार, सिक्किम इज अ प्रोटेक्टोरेट, और सिक्किम के राजा ने खुद भारी ताकतों से उसके प्रोटेक्शन के लिए इंडिया को ये जिम्मेदारी दी, हम उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो आप यहाँ से हटिए। आप हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आप लोग ये फेंस हटवा देंगे, वरना क्या हम हटा देंगे। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा ये फेंस। सगाई, नहीं हटेगा ये फेंस। अरे कैसे हटेगा ये फेंस? ए सर, सर यू ओके? आर यू ओके सर? आपकी सर्वदा शक्तिशाली गरीब Yeah.
देखो आप लोग के सैनिकों ने क्या किया हमारे सैनिकों को इतना बुरी तरह से मारा पीटा और आपने क्या किया हमारे सीओ साहब के साथ इससे पहले कि यहां पर और खून बहे यहां से चले जाओ हम हमारे हाई कमांड से बात करेंगे हिंदी चीनी बाय बाय चलो Fall back. Sikkim, 印度想霸占, 我们不给他们霸占, 他们建了一个威廉, 我们会给他一个合适的答复。 好! How do you feel, Colonel? I'm okay, sir, just a scratch. Lekin these Chinese, they have crossed all limits. I can see that. Sir, मेरे ख्याल से हमें कैट वायर लगा देना चाहिए डेफिनेटली मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा हूं चाहता हूं कि जाने से पहले यह काम हो जाना चाहिए इट विल बी डन सर गुड एक बात है सर कैट वायर लगाना इस समय खतरे से खाली नहीं है सर ऑल हेल विल ब्रेक लूज एज यू राइटली सेड सर नथिंग इज इंपॉसिबल दैट्स द स्पिरिट टाइगर दैट्स द वे लेट्स शो देम आई विल ब्रीफ यू ऑल हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टास्क यस सर द टाइम हैज कम To stop the games that the Chinese have been playing with us. Let me brief you. The task of laying cat wire fencing will be held on 11th of September at 500 hours. The work will be divided between two parties. South shoulder will be protected by commando platoon led by Captain P.S. Dagar. Yes, sir. और north shoulder की protection का काम करेंगे 18 राजपूत, जिसकी command संभालेंगे Major Harbhajan Singh. Yes, sir. और second lieutenant Attar Singh, आप MMG section के साथ OP post संभालेंगे. Sir. Good. To organize and coordinate the work of both parties is given to Major Bishen Singh. Yes, sir. Colonel Rai, aap apne bunker mein rehke puri karwai pe nazar rakhenge. And do not expose yourself. Yes, sir. Have I made myself clear? Yes, sir. Good. Remember, heroes do not choose their destiny. Destiny chooses them. Maybe the time has come. For all of you to become heroes. Yes, sir. 1947, 62 और 65 की लड़ाई में हमने जिन दोस्तों परिवारों को खोया है जिन देश प्रेमियों को गवाया है वो हमेशा हमारे दिल की गहराइयों में जिंदा रहेंगे वो योद्धा जिन्होंने अपने देश से कुछ नहीं चाहा अपने देश के लिए फना हो गए उन्हें हम कभी ना भुला सकते हैं ना ही वो भुलाए जा सकते हैं हमारे दुश्मनों की मंशा हमें खत्म करने की नहीं थी वो हमारे परंपराएं तौर तरीके और मान्यताओं को छिन भिन करना चाहते थे वो कामयाब तो नहीं हुए लेकिन वो हमें एक सबक एक मौका दे गए अपने धरती अपने लोगों के लिए दोबारा जन्म लेने का हम जले हैं लेकिन खाक नहीं हुए हम टूटे हैं लेकिन बिखरे नहीं हम उठेंगे एक साथ क्योंकि आने वाला वक्त हमारा है हमें वही बनना है जो हम थे सर्वोपरि सशक्त विश्व गुरु याद रहे हम अपने पूर्वजों की अस्थियों और शिवालयों के ओंकारों के साथ इस भारत को वही बनाएंगे जो हम हमेशा थे जवानों याद रहे हम इतिहास के खून से रंगे हुए पन्नों को फिर से पलटेंगे और इसमें लिखे हुए अपने बहादुर जवानों का सुनहरी अक्षरों से उनका त्याग उनका पराक्रम और उनकी वीरता को सलामी देंगे हमें हमारे देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए
एक ऐसा इतिहास बनाना है जिसमें हमारी जीत त्याग और बहादुरी की गाथा हो और अपने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा. गॉड ब्लेस यू माय मैन. जय हिंद. जय हिंद. भारत माता की जय. भारत माता की जय. गुप्ता जी सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. गुप्ता जी सीईओ साहब की ब्रीफिंग तो सुनी होगी आपने. हाँ साहब. कल कैट वार लगनी है जी. बाकी अब समझते हैं जी साहब. तो एक बार घर पे बात करा दीजिए. क्या करें हरभजन साहब, अगर हेडक्वार्टर में पता चल गया तो मेरी नौकरी तो खतरे में आ जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है लगा देते हैं. आपके लिए तो ये करना ही पड़ेगा हरभजन साहब. थैंक यू. लो साहब. सत श्री अकाल बापू. हरभजन किता पुत्र अचानक फोन किता तो ठीक थे है? इतना ठीक है बापू कि पत्थर तोड़ रहे थे. पत्थर क्यों पुत्र? पत्थर क्यों तोड़ेगा तू? पत्थर से कैदी तोड़ देने. अरे नहीं बापू, बंकर बनाने वास्ते तोड़ रहे सी. तोड़ दिया वाले खेता दी बड़ी याद आई. जल्दी वापस आकर खेता विच तुहाडा हाथ बटावांगा. ओए पुत्र तू मेरी बड़ी फिक्र करदा है, तू अपनी फिक्र कीता कर. ओ मैं ते एकदम फिटा बापू. मैनू चिंता रहिंदी है सारियां दी, खास करके छोटे दी अरवेल दी, जेड़ा बार बार मेरा स्कूटर वेखदा रहिंदा है. वो मैंने स्कूटर दी चाबी छुपाई हुई है, ओनू टुंडदा रहिंदा है. बापू ओनू कहना टुंडना बंद करे. अज तू स्कूटर उसदा होया. स्कूटर दी चाबी मैं वाहेगुरु दे फोटो थल्ले छुपा रखी है, उथू ले लें. और हाँ बापू ओनू कहना कि जिंद स्कूटर चलाएगा, ये ना समझो कल्ला है, मैं पीछे बैठा. पुत्र मैनू पता सी तेरा दिल बहुत वड्डा है, मैनू तेरे ते बहुत ही फकर है. रब तेनू लंबी उम्र दे. लंबी उम्र दा ते पता नहीं बापू, बस रब से दुआ करी कि मेरी जिंदगी धरती माँ और भारत माँ की सेवा विच कम आ सके. हाँ अच्छा बापू मैं रखना, दूसरे मुंडे भी घर फोन करने वास्ते लाइन विच खड़े. चंगा. पैनी पौना बापू. जीवंदा रहे पुत्र. थैंक यू जी. वेलकम साहब. डागर साहब आपका फोन लग गया. अरे बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी. हेलो भैया. रे पृथ्वी तू दिल्ली पहुंच गया क्या? ना भैया मैं दिल्ली में ना, नाथुला में ही हूँ. अरे भाई सब ठीक तो है? हाँ भैया सब ठीक है. आप लोगों की बहुत जोरों से याद आ रही थी तो सोचा कि आखिरी बार बात कर लूं. आखिरी बार मतलब? नहीं नहीं मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया. आप सब ठीक तो हो ना? और भाभी माँ कैसी है? अरे भाई सब ठीक है, तेरी शादी की तारीख निकलवाई है तेरी भाभी ने. बड़े जोर शोर से तेरी शादी की तैयारी में लग गई है. क्या लड़की को क्या देना है, तेरा सहरा कैसा होगा, इन सब बातों को लेके घर में बड़ी खुशियाँ है. तू बस छुट्टी लेके जल्दी घर आ जा. भाभी से कहना कि मैं सहरे के बिना भी अच्छा लगता हूँ. उन्हें अपने देवर को शादी की बेड़ियों में बांधने की बहुत जल्दी है ना, वो इसलिए कि मैं उन्हें तंग करता हूँ, छेड़ता हूँ. तो ठीक है, तो अब की बार जब आऊंगा ना, ना मैं उन्हें तंग करूंगा ना उन्हें छेड़ूंगा. फिर देखना भैया, वो खुद ही पूछेंगी कि मेरा वो पहले वाला देवर कहाँ गया, ढूंढती रह जाएंगी. अरे भाई तेरा संदेशा तो मैं दे दूंगा तेरी भाभी को, लेकिन उसके लिए भी कोई संदेशा है कि ना? किसकी बात कर रहे हो? अरे बदमाश तू सब जाने है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ. भैया साथ में पिक्चर देखने का वादा किया था, वादा पूरा ना हो सका. इंतजार कर रही होगी तो उसे कहना कि आके मैं अपना वादा पूरा करूंगा. अच्छा भैया मैं रखता हूं, सबको राम राम कहना, पाए लगू भैया. और हाँ वो लक्ष्मीचंद आपसे बात करना चाहता है. लक्ष्मीचंद आ जा. हेलो. प्रणाम भैया. प्रणाम प्रणाम, कैसा है तू? एकदम बढ़िया भैया, वहाँ सब कैसे हैं भैया? अरे भाई सब ठीक है, और तुम्हारे घर में भी सब कुशल मंगल है. तुम तो हमारे इलाके की शान हो, बड़े बॉक्सिंग कंपटीशन जितवाए तुमने हमारे इलाके को. भैया कल हमारी पल्टन का एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग कंपटीशन है, हमें आशीर्वाद देना भैया कि जीत मारी हो. जरूर. अच्छा भैया मेरे घर पे भी खबर दे देना कि मैं एकदम बढ़िया हूँ. ठीक है भैया. चलो भैया प्रणाम. प्रणाम. रखता हूँ मैं अभी. वैद्य जी कुछ करिए. Oh, my God.
माँ, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ, माँ मैं जिंदा हूँ। अरे अत्तर सिंह, भाई ठीक तो हो? और माँ को क्यों याद कर रहे हो? कोई बुरा सपना देखा के? क्या हो गया भाई अत्तर सिंह? सर, कई साल पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वही बार बार मेरे सपनों में आता रहता है। कैसा हादसा अत्तर सिंह, बोलो। सर, एक दिन गांव में मुझे बहुत बुखार चढ़ गया था। वैद्य जी आए और उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा कि मैं दुनिया से जा चुका हूं। घर वालों ने मुझे पलंग से उठाकर जमीन पर रखा और मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। सर, प्रभु की कृपा से मैं अचानक उठकर बैठ गया और मेरी माँ चीख कर बोली, मेरा बेटा जिंदा है। अब ये करिश्मा था या प्रभु की दया थी, जो आप समझो। अरे इसका मतलब आप पे तो प्रभु का हाथ है। क्यों हरभजन जी? बिल्कुल सही कहा। अरे अत्तर सिंह, कल तार लगने वाली है और अगर चिड़ियों से हमारी लड़ाई हुई आप तो बच जाओगे। हाँ, शायद हम शहीद हो जाए। अत्तर सिंह, फौज में कहा जाता है कि अगर एक साथी मारा जाए तो दूसरा उसे उठा के घर ले जाता है। अत्तर सिंह, कल तार लगते वक्त अगर वहां पर कुछ भी हुआ ना तो वाहेगुरु दी सौ मुझे पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। तो वहां पर शहीद होने के वो, अरे दागर, वो आपकी इंग्लिश में वो आसार को क्या कहते हैं, चांसेस। वहां पर शहीद होने के चांसेस मेरे सबसे ज्यादा हैं, समझे? अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मेरा एक काम करेंगे। जी सर, बोलिए। आप मेरे गांव जाएंगे, मेरे बापू से मिलेंगे और उनको एक बात कहेंगे कि मेरी अस्थियों को हमारे खेतों में बिखेरते हैं। सर, आप दोनों मेरे सीनियर हैं। मैं माफी मांगते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप दोनों ये बकवास बंद कीजिए। बकवास? सर, हम सब सुरक्षित रहेंगे और सब लंबे समय तक साथ रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। सर, पल्टन में एक कहावत है, ब्रदर टू माय लेफ्ट, ब्रदर टू माय राइट, टुगेदर वी स्टैंड, टुगेदर वी फाइट। बहुत खूब कहा अत्तर सिंह, लेकिन ये अंग्रेजी में क्यों है, हिंदी में क्यों नहीं? नहीं हरभजन जी, ज्ञानी जी है ना। अच्छा, आधी रात को अंग्रेजी। अरे बहुत बाकी याद आ रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर। सर, कल 5 बजे नथुला पास पर फेंसिंग का काम शुरू होगा। हो सकता है चीनी सेना से लड़ने के लिए हमें आरटी सपोर्ट की जरूरत पड़े। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ओके सर। भाइयों, इंटेलिजेंस वालों की खबर आई है कि कल तार बिछाते वक्त चीनी सैनिक आक्रामक हो सकते हैं और जंग भी छिड़ सकती है, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। और भाई, हम सब एक माँ के जने तो है नहीं, लेकिन हम सब भाई भाई तो है ना, कोई शक नहीं। क्या कर रहे हो भाई? रे कुछ नहीं भाई, परिवार वालों की फोटो देख रहा हूं। क्या कर रहे हैं लोग? सुबह की टेंशन में और आग की रोशनी में अपनों को देख रहे हैं सर। चलो एक बार हम भी अपनों को देख ही लें। शर्मा मत अर्जुन, देख लो। जी सर। रात कितनी दास्ताने कह रही है, एक नदी यादों की है जो बह रही है। रात कितनी दास्ताने कह रही है,
एक नदी यादों की है जो बह रही है। मिलने आए हैं हमसे बीते हुए लम्हे कल के, कितने पहचाने चेहरे तन्हाई में है झलके। यूं तो कोई है कहाँ कोई कहाँ, यादें लेके आई है सबको यहाँ। रात कितनी दास्ताने, तब तक आप ये लड्डू खाइएगा और कह रहे और हमें याद कीजिएगा। एक नदी यादों की है जो बह रही है। देख तू मैनू भुली ना, ते मैनू चिट्ठियां लेके दे रही, ते पोर्टर ते ज्यादा हिरूगिरी ना दिखाई। बिंदी एक आंचल जाने क्यों लहरा रहा है। घर के दरवाजे पे सुंदर सी रंगोली, फिर कोई त्योहार मिलने आ रहा है। नन्हे नन्हे पांव से चलता है कोई, उंगलियों से जप रहा है कोई माला। एक थाली एक कलाई एक राखी, एक मंदिर एक दीपक एक उजाला। रात कितनी दास्ताने कह रही है। एक नदी यादों की है जो बह रही है। पल्टन सावधान, हेलमेट। जय श्रीमान। जय सिंह 275 अदर रैंक हाजिर है। जय श्रीमान। जय हिंद। पल्टन हेलो मत। सर 25 जेसी और 265 अदर रैंक्स हाजिर हैं। शाबाश लेफ्टिनेंट अतर, पल्टन को बोलो आगे बढ़े। पल्टन आगे बढ़। Thank you.
जवान हो रफ्तार बढ़ाओ। सर हमारे जवान काफी तेजी से काम कर रहे हैं सर। रुकना नहीं है। गुड जॉब मेजर चीमा, कीप इट गोइंग। सर देखिए चीनियों की हरकत। चीनियों ने नए बंकर्स बना लिए सर। इट्स ओके टाइगर, टाइगर उनको अपने टेरिटरी में जो करना है करने दो, हम तो अपना घर पक्का कर रहे हैं। जी सर। कैच फायर लगा के परमानेंट बना रहे हो फेंसिंग, हाँ? हमको उल्लू समझा। इडियट है हम लोग। रुकवा दो। ये काम नहीं रुकेगा। रुकवा दो वरना अंजाम बुरा होगा। काम नहीं रुकेगा और हम हमारा अंजाम देख लेंगे। थेंदा मोन। कोई काम नहीं रुकेगा। पीछे हट। कैप्टन डॉगर। What the hell? नहीं हवा। What the hell are you doing, Captain Dagar? Captain Dagar? Captain Dagar, लामा। आपने कमिश्नर को क्यों मारा? सर आपको जो सजा देनी है दे दीजिए सर। मैंने आपका बदला ले लिया है। इन्होंने भी तो ये हरकत की थी। कमिश्नर, हम हमारे आदमी के लिए माफी मांगते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। सो, ताजा सो। बहुत खूब यारा। इतनी खामोशी और चीनियों का इस तरह चुपचाप चले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खजा सो यू रखा वो भाव निमन जी खजा वो बंदा बिन ये छाए वो भगवान निजुशी खजा हाउ तार लग गए तो चैन की नींद। सर मेरी बहन इतनी जिद्दी है, पता है क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अगर आपने मुझे डोली में नहीं बिठाया ना तो मेरी डोली ही नहीं उठेगी। Thank you.
to Mike! Tiger to Mike! Mike to Tiger! Mike to Tiger! Over! Mike, open fire! Over and out! Over! Hey! Arjun, take out! चाइनीज ने आर्टी फायर शुरू कर दी है सर, लेकिन वो दे आर ऑफ टारगेट सर, उनके शेल्स हमारे पीछे वाली पहाड़ी पर गिर रहे हैं। सर आई रिक्वेस्ट आर्टी फायर, वी कैन फिनिश देम सर। होल्ड योर पोजीशन कर्नल, आई स्पीक टू द हाई कमांड एंड गेट बैक टू यू, गो एंड आउट। सर द चाइनीज हैव ओपन आर्टी फायर एंड मोर्टार, वी नीड आर्टी सपोर्ट इमीडिएटली सर। Let me talk to High Command and get back to you. So we lose time, we lose men. I hope you understand, sir. Sagat, give me some time. Waiting for your call, sir. Over and out. Over and out.
Where is the bloody artillery? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह साहब जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ओ तुम्हारी सालों की रुका रुका आगे जा रहा मैं कवर फायर दे ठीक है जी साहब जाइगो सर रुको आगे बचाओ सर कवर में ओके सर अतर सिंह पल्टन को जोश दिलाने के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा गिव मी कवर फायर बी केयरफुल सर जवानों आगे बढ़ो
Bishen, you all right? CA साहब आपको ओवन में आना चाहिए सर. आप वापस जाइए सर. Grenade! सर आर्टी फायरिंग के ऑर्डर आ चुके हैं सर. हमारी पूरी पैटर्न को पीछे लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सैलिंग से हमारी सैलिंग मारे जाएंगे सर. सीओ साहब, डागर साहब और टाइगर नसला चीनियों की तरफ है. मैं जाकर उनको इन्फॉर्म करता हूँ. ओके सर. चलो अपने एरिया में वापस चलो. आर्टी फायरिंग होने वाली है. Come on, Bishen. Fall back. CEO साहब को हेल्प करो. Lieutenant Colonel Alexander, give them all hell. Over and out. Come back. वापस जल्दी आओ. And here's our T-shirts. ये दिवाली तो हम जरूर देखेंगे सर. हवलदार, लक्ष्मीचंद का क्या हुआ? सर लक्ष्मीचंद शहीद हो गए सर, और साथ में राघव चंद पांडे भी.
और सिपाही रामचंद्र और हरिहरन और नागेंद्र सब के सब शहीद हो गए सर, और इसमें सबसे ज्यादा हमारे इंजीनियर्स मारे गए सर। मेजर जनरल सगत, चीन सीज फायर चाहता है एंड वी हैव एग्रीड। टेल द ट्रूप टू सीज फायर एंड पास दिस मैसेज टू आवर पल्टन। ओवर एंड आउट। सर। पराशर। जी सर। ये लोग तो सरेंडर कर रहे हैं। सर्वदा हमें जाकर सीओ साहब को बताना होगा। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद सर। चाइनीज आर वेविंग द व्हाइट फ्लैग, वो सरेंडर करना चाहते हैं सर। विद योर परमिशन मैं उनका सरेंडर लेता हूं सर। वी बोथ टेक द सरेंडर टाइगर। आर यू श्योर सर? You've lost a lot of blood, sir. I'm not going to miss this historic moment for anything, Tiger. Aye, sir. Let's go. सर, इनसे कह दो कि हम सीज़फ़ायर के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फेंस यहां पर परमानेंट रहेगी। जी सर। वो मैं नहीं अच्छी नहीं तीन हो तंस से क्यों वाली है संसार चले यूं चु हाय वो मैं यहाँ पीना सुधी सर। ये लोग अग्री कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि पहले अपने सैनिकों की बॉडीज लेना चाहते हैं। ठीक है, इनसे कह दो अपने सिपाहियों की बॉडीज ले सकते हैं, उसके बाद हम अपने सिपाहियों की बॉडीज लेंगे। जी सर। निमन सीमा निमन द पिंद सुधी या वुमन ना वुमन द पिंद सुधी खाई सर, इस लेटर में लिखा है कि हम इनकी सीमा में घुसे थे, इसीलिए हमारे अफसर और जवानों की बॉडीज उस तरफ है, और अगर हमने ये लेटर साइन नहीं किया तो ये बॉडीज हमें नहीं देंगे सर। किस कदर धोखेबाज हैं ये लोग, हमने तो इनकी बॉडीज बिना किसी शर्त के वापस कर दी। दिस इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन आई हैव माई ऑर्डर्स। हमें अपने ऑफिसर्स और जवान्स की बॉडी किसी भी कीमत पर वापस लानी है। जी सर। स्ट्रेचर पार्टी आइए। साथियों साथियों
आखिरी बार क्या कह रहा हूँ सुनो, हो सके तो सुनो। मैंने अपने गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, जिनके नाम लिखा है। तो आप मेरा एक काम करेंगे? जी सर, बोलिए। आप मेरे गांव जाएंगे, मेरे बापू से मिलेंगे और उनको एक बात कहेंगे कि मेरी अस्थियों को हमारे खेतों में बिखेरते हैं। उन तक पहुंचा देना मेरे मन की बात, उन्हें तुम बतला देना। मैंने अपने गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, एक पैगाम लिखा है। मैंने अपने गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, जिनके नाम लिखा है। उन तक पहुंचा देना मेरे मन की बात, उन्हें तुम बतला देना। मैंने अपने गर्म लहू से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, एक पैगाम लिखा है। डागर साहब, घर में कोई है? हाँ भाई, कौन है? कौन है रण सिंह? हम कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर को लेकर आए हैं। बापू, पृथ्वी को लेकर आए हैं। मारा पृथ्वी? यो के कह रहे? मारा पृथ्वी छोरा। अच्छा। मेरे पृथ्वी छोरे को क्या? मेरी माँ से तुम ये कहना, बचपन में मुझसे तूने कहा था, धरती माँ भी माँ हो
चीनियों से लड़ते हुए कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर शहीद हो गए। बाबूजी, आपके बेटे ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी। ये क्या कर दिया ऊपर वाले, हम तो तबाह हो गए। मैंने आज इस धरती माँ की लाज रखी है। मत रो माँ, तू क्यों रोती है, क्यों रोती है, क्यों रोती है। हाल मेरे बच्चे, अंधेरा हो चला बेटा, वो नहीं आएगा। तू सुबह से खेता में बैठी, घर चल बेटा, घर चल, हम कहीं जाएंगे नहीं, चल नहीं, चल बेटा। बेटा वो शहीद हो चुका है, वो कभी नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम कहीं नहीं जाएंगे, वो आएंगे हमसे मिलने के लिए। मेजर हरभजन सिंह का घर यही है? हाँ जी यही है। असी मेजर हरभजन को लेकर आए हैं। बापू हरभजन वीरे आए ने। बागाड़िए, अपना हरभजन आ गया है। मेरे बाबा से तुम कहना, बचपन में मुझसे तुमने कहा था, ऐसा कुछ मत करना कि मैं शर्मिंदा हूँ। तुमने कहा था इतिहास हमसे कहता है, जो है बहादुर मर के भी जिंदा रहता है। बात तुम्हारी मान ली मैंने, अपने वतन पर जान दी मैंने। देखो बाबा आज मैं मर के भी जिंदा हूँ। 100 करोड़ इंसानों के एहसास में मैं जिंदा हूँ। हिंदुस्तान के मन में बसे विश्वास में मैं जिंदा हूँ। नौजवान चेहरों में मैं हूँ, सरहद पर पहरों में मैं हूँ। तुम मेरा कोई गम न करना, अपनी पलकों को नम न करना, अपना गौरव कम न करना, अपना गौरव कम न करना। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ।